मैं मारूंगा मनोज तिवारी को, मैं मारूंगा किसको? मनोज तिवारी को चप्पल से मारूंगा। लोग पाकिस्तान से विवाद करते रखे इन लोगों के, इन लोगों की सुनिए, इन लोगों की जबरदस्ती आप देखिए कि हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ना ही नहीं, हाथ पकड़ोगे, हाथ पकड़ोगे, हाथ पकड़ोगे, नेहरू पे भी बात होगी। मोदी ने सारे बलात्कारियों का ठेका ले रखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा, मैं पहुंच चुका हूं कन्हैया कुमार की लोकसभा सीट। अब यहां पे युवा है, युवा इस बार युवा के साथ में है या मनोज तिवारी के साथ में है, जानना बहुत जरूरी है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर यादव। क्या करते हैं आप? मैं लॉ करता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो इस बार आप किसके साथ में है यादव जी? इस बार हम गठबंधन के साथ में है और कन्हैया कुमार जी यहाँ से जो है लगभग 2.5 से 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 2.5 से 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। ये मेरा कोई हाँ मेरा हवा हवाई टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो मैं आपसे बात करूंगा, वकील आप है मैं और मैं हवा कर रहे हैं, बात नहीं कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे मैं ये आप क्या कर रहे हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की? अरे वकील साहब है, इनको बोलने दीजिए पहले। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज आप बताइए कि जब बहस होती है तो वकील को दखलंदाजी दिया जाता है, वकील को पूरा मौका मिलना चाहिए पहले बोलने के। मैं हवा हवाई कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जमीनी सर्वे की बात कर रहा हूँ। मैं युवाओं में घूमता हूँ, यहाँ तक दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर यहाँ तक वजीराबाद जो भी गांधी बिहार में आता जाता हूँ ट्रैफिक में, और देखता हूँ मैं कि यहाँ पर हर जगह कन्हैया कुमार की हवा है, क्योंकि ये 2 बार से सांसद रहे हैं और इनका जमीन पे कोई विकास नहीं है। और ये जो है मनोज तिवारी जी की बात मैं कर रहा हूँ, ये 2 बार से सांसद है, इनका कहीं जमीन पे कहीं दिखावा नहीं है और कहीं दिखते भी नहीं है। मैं तो यहाँ भी बहुत दिनों से रह रहा हूँ, कहीं इनका पता नहीं चलता है। इनका फिर सोशल मीडिया पे सिर्फ विकास है। यहाँ पर जो आप विकास देख रहे हैं, जिस सड़क पे आप खड़े हैं, ये जो है कांग्रेस की देन है। यहाँ पर एक गिट्टी भी ये नहीं रखे हैं। अगर ये लोग बोल रहे हैं तो इन लोगों के अंदर जो है सिर्फ भाजपा मय हो गए हैं ये लोग, मतलब अंधभक्त की तरह है। जी देश से कोई मतलब नहीं है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं इन लोगों को है, शिक्षा से कोई मतलब नहीं, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं इन लोगों को है, देश का भविष्य कहाँ जा रहा है इससे कोई मतलब इन लोगों को नहीं है। सिर्फ इन लोगों को हिंदुत्व से मतलब है, मुझसे बड़ा कोई हिंदू भी नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ। लेकिन इन लोगों को आपको महाराज भगवान कृष्ण के वंशज हैं, अब आपका हम सर्टिफिकेट थोड़ी मांगेंगे। वही कह रहा हूँ, और इन लोगों को देश से और देश के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। चाइना डेली आंख दिखा रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या इन लोगों को पता है? कुछ नहीं पता है। यही थी गठबंधन की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव दौड़ाकर 3 किलोमीटर मारे थे, क्या ये लोग बात करेंगे? वैसा रक्षा मंत्री चाहिए, वैसी सरकार चाहिए। चीन आग दिखा रहा है, 2017 से लेकर के 17 में बदला, 19 में बदला, 22 में बदला, 2023 के और 24 में भी नाम बदल चुका है वो, 30 जगहों का नाम बदला अरुणाचल प्रदेश का। क्या कहेंगे भैया? सब कुछ तो भैया बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। 95 जैसे ज्यादा प्लेसेस के नाम बदल चुका है अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में, चीन ने अभी अभी 2 हफ्ते पहले रिपोर्ट आई तब उसने बदले हैं। तो इसमें ये सही बोल रहे हैं, सब सही है। शिक्षा की बात करते नहीं है, तो देखिए ये सबकी अलग अलग वो है ना, आप कौन सा टॉपिक उठाते हैं शिक्षा की कोई... मैं देखो मैं एक चीज बता दूं, मैं किसान की बात करता हूं, संविधान की बात करता हूं, महिला की बात करता हूं, युवाओं के रोजगार की बात करता हूं, दलित पिछड़ा आदिवासी की बात करता हूं, सवर्ण समाज की बात करता हूं, अल्पसंख्यक समाज की बात करता हूं, मैं सर्वधर्म की बात करता हूं। बिल्कुल आप जैसे हैं तो आपको तो लिबरल होने चाहिए, सबकी करनी चाहिए। मैं खुद किसान का बेटा हूं। तो राहुल गांधी की बात करती है ना, शिक्षा मंत्री जो हमारी शिक्षा मंत्री हैं, वो तो राहुल गांधी की बात करती है कि अमेठी में कौन चुनाव लड़ेगा। स्मृति ईरानी जो भी है, स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री, हाँ हाँ, जो शिक्षा मंत्री थी वो यही कहती हैं कि अमेठी में चुनाव कौन लड़ेगा, राहुल गांधी कब आएंगे, राहुल गांधी कहाँ जा रहे, राहुल गांधी जी कब तय हो गए रायबरेली से। एक मिनट, आप लोग कह रहे हैं संविधान की रक्षा, संविधान अभी आज बीजेपी की सरकार आया 10 सालों से, इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, सबसे पहले संविधान की जबरदस्ती करेंगे आप? नहीं नहीं, अरे ठीक है, सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश जो कॉलोनियलिज्म सिस्टम से हुआ करता था, सबसे पहले 1973 में कांग्रेस ने 2 जो वृद्ध न्यायाधीश थे उसके बावजूद भी तीसरे आदमी को उन्होंने मुख्य न्यायाधीश बना दिया। प्रस्तावना में किस प्रकार परिवर्तन किया, इससे कोई भी वंचित नहीं है। उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से कोरम की जो थी सिस्टम, कोरम का सिस्टम कि कम से कम 40 सांसद रहने चाहिए उसके बाद ही संसद चलेगी, उसको भी खत्म कर दिया। चुनावी विवाद जो न्यायिक पुनर्वलोकन के अंतर्गत आता था उसको भी उन्होंने उससे बाहर कर दिया। प्रस्ताव संविधान का जितना उल्लंघन कांग्रेस ने किया है अभी कल्पना नहीं कर सकता कोई और पार्टी। क्या कहेंगे भैया? देखिए इन्होंने जो कहा कि इंदिरा गांधी जी ने जो किया कि मतलब संसद में 40 से कम लोग जाएंगे या 40 लोग जाएंगे तभी संसद चलेगी, ये लोग संसद में जाते नहीं थे,
उनकी लोगों की विचारधारा नहीं पसंद थी, देश को आगे बढ़ाने और तरक्की करने की बात करते थे, संसद में नहीं जाते थे, उनको मजबूर हो के कानून को लाना पड़ा। आप इस चीज को समझिए, वो ऐसा क्यों किए हैं? बहुमत की सरकार आपकी थी, बहुमत की सरकार आपकी थी, बहुमत की सरकार थी, हमारी बहुमत की सरकार तो 1900 सुने, हमारी तो 400 पार 1984 में राजीव गांधी के समय थी, हमने तो कानून नहीं बदला, हमने तो कानून बदलने का नाम नहीं लिया। आप तो चिल्ला रहे हैं 402 हम देश संविधान बदल देंगे, बताइए 500 वर्ष से राम मंदिर भाई आगे आइए, आप रुक जाइए, आगे आइए, आप 400 पार वाले आइए, 400 प्लस जाएगा, इधर आइए, बिल्कुल आइए, किसी बात कर लो, कैसे 400 पार आएगा, बता रहे हैं, चार पर कहां है? 400 प्लस कश्मीर की जनता को ये लोग गुमराह करके 70 सालों तक जम्मू कश्मीर की जनता के गुमराह करके ये लोग पाकिस्तान से विवाद करते रहे इन लोगों के, इन लोगों की जबरदस्ती आप देखिए कि हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ना ही इन्हें, हाथ पकड़ोगे नेहरू पे भी बात करोगे, सुनिए पटेल पे भी बात करोगे, राजनीतिक करते पकड़ोगे, राजनीतिक करते पकड़ोगे, मैं बोलूंगा जम्मू कश्मीर की क्या बात करते हैं? कोई कांग्रेस सरकार की 500 रियासतों को तो मिलाई है, 500 रियासत मिला के भारत को बनाई है, कांग्रेस ने बनाई है, कहां थी आपकी बीजेपी? बीजेपी कांग्रेस बीजेपी सर एओ होम ने किया था उसकी स्थापना, 75 साल हो चुके नेहरू को जाए हुए को, अब बात है मोदी की, मोदी पे यार वो लद्दाख तो रुका नहीं यार, उसपे अरुणाचल प्रदेश तो रुका नहीं उसपे, इनको समझाइए यार, 75 साल हो जो क्या नेहरू की बात कर रहे हो, जो करंट की बात है उसकी बात करो ना, यार आपका आप यार किसकी बात कर रहे हो, इन नेहरू पर अटके हुए यार, अरे नेहरू को कोई नहीं समझा सकता, कोई नहीं समझा सकता, कोई सी भी बात कर लीजिए ऐसे जाएगा भ्रष्टाचार में कुछ किया या नहीं किया मोदी जी ने, कुछ किया या नहीं किया दुनिया जानती है, क्या क्या किया बताइए आप, बहुत कुछ किया, कितने कितना किया है, क्या चीज, क्या आज इंडिया ना नंबर वन पे है, किसी में कर्जदारी में इंडिया गठबंधन नंबर वन पे, मेरा भाई सही कह रहा है, इंडिया गठबंधन नंबर वन पर है और एनडीए नंबर 2 पर भी नहीं 3 पर भी है, इंडिया गठबंधन भाई ने बोल दिया, इंडिया गठबंधन नंबर 1 पर है, राहुल गांधी पीएम बनने वाले हैं 4 जून को, सुन लीजिए राहुल गांधी पीएम बनने वाले हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है भाई, प्रधानमंत्री कोई भी बने पर मोदी नहीं बनेगा इस बार, मोदी नहीं बनेगा। आप बोलते बहुत बढ़िया हैं, तो थोड़ा आप वक्ता बढ़िया हैं, श्रोता भी बनिए, आप अब बताइए 400 पार कैसे आएगा? 400 पार इसलिए आएगा, इसलिए मोदी के हर काम भले 2 काम किए हों, पर काम इतने साफ किए हैं जो हद से ज्यादा साफ, कौन से हैं? आज चोरी का काम साफ किया, क्या चोरी की मोदी जी ने, ये बताओ क्या चोरी की? 6000 करोड़ चुराया, क्या चुराया बताओ, क्या चुराया? सिलेंडर 400 रुपए का आता था, 600 रुपए और एक्स्ट्रा लेगा हमारे घर से। अच्छा आप जिस जगह नौकरी करते हो 6000 में नौकरी करते हो, आज 12000 में नौकरी करते हो आप, अरे 12000 में नौकरी करते हो भाई, नौकरी ले ली। बात ये है जैसे तनख्वाह बढ़ी ऐसी महंगाई भी बढ़ गई है, बात ये है देखो, इनके लोगों को समझ में नहीं आएगा, भाई ने नहीं आने का, बीजेपी 400 सीटों पर लड़ ही नहीं रही हो तो 400 पार कहां से हो रही है, पहले इनसे पूछो, कांग्रेस का गठबंधन ही एक पैमाने से जीत जाए तो मोदी, अच्छा इसीलिए कांग्रेस हार रही है, सुनिए आप खुद के साथ नहीं है, मोदी का कुछ काम बताइए, अध्यक्ष भाग जाते हैं छोड़ के, क्या ही आपके साथ करिए, भाई से एक सवाल करना है, भाई मोदी लहर में 2019 में 400 टच नहीं कर पाई पूरी एनडीए गठबंधन, तो थोड़ा मुझे ये बता दो कि 400 पार अब जब लहर खत्म हो रहा है तो 400 पार कैसे जाएगा, थोड़ा सा डेटा बिल्कुल शांति से जवाब दो आप, बिल्कुल आप, अरे मैं कह रहा हूँ, मैं कन्हैया कुमार, फिर आप हाथ पकड़े, मैं कह रहा हूँ, मैं फिर आप, अरे इनका हाथ टच मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ एक सेकंड, अरे हाथ टच, विकास दिखाओ,
विकास दिखाओ, ये जमीन दिखाओ, विकास दिखाओ, विकास दिखाओ, विकास अपने हाथ से कूड़ा मैं उठा रहा हूँ, विकास नहीं है, विकास नहीं है, लेकिन मोदी जी कह रहे विकास, कहाँ है विकास? चलो ये बनारस, चलो बनारस, चलोगे बनारस, चलो बनारस, चले 400 पार वाले। अब चाय कैसे बिकेगी भाई, चाय कैसे बिकेगी? अब चाय कैसे? मोदी गाली देने से काम नहीं चलेगा, पहले कांग्रेसियों को कांग्रेसियों के साथ होना पड़ेगा। ऐन वक्त पे चुनाव के प्रदेश अध्यक्ष चले, एक बनारस दिखाए, अपना बनारस दिखाए, हार रही है तुम ही लोगों। हम एक चीज कहना चाहेंगे कि बृजभूषण सिंह जो है, अगर वो दोषी है तो वो अंदर क्यों नहीं है, और अगर वो दोषी नहीं है तो उसका टिकट काट के उसके बेटे को टिकट क्यों दिया गया है? अगर वो दोषी है तो वो बाहर क्यों घूम रहा है भाई? और अगर दोषी नहीं है तो उसके बेटे को क्यों टिकट दिया है? भैया सारे बलात्कारियों का ठेका ले रखा है मोदी ने, सारे बलात्कारियों का ठेका ले रखा है। हाँ, चाहे बनारस का हो या कर्नाटक का प्रणब का हो, हाँ उसका मोदी मोदी कोई भी स्टेज पे जा रहा है, अभी उसका कोई भी चुनावी सभा देख लो, वो अपना क्यों नहीं बताता है कि हमने ये किया वो किया, मैंने बेरोजगारी दूर किया? नहीं नहीं, वो ये क्यों नहीं कह रहा है कि मेरा मैंने मतलब रुपये को मजबूत करा? मनोज तिवारी को मैं मारूंगा, किसको? मनोज तिवारी को चप्पल से मारूंगा। जनता साहब बहुत ही नाराज है, शुक्रिया, धन्यवाद।